The government has denied that reports on printing of 500 rupees notes being stopped, calling such reports baseless and mischievous. Talking to CNBC-TV18 a short while ago, Minister of State for Finance Santosh Gangwar asserted that the printing of 500 rupee notes has not been halted and that the government is fully committed to increasing the cash flow in the economy at the earliest. Listen in to that exclusive conversation. Sarkar ki press jo chhapne wali char hai aur agar kahin par koi galti hogi to tatkal ये सुनी हुई खबर नहीं होगी, ये आधिकारिक खबर होगी. पर जैसा मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि भाई करेंसी देश की इतनी बड़ी है और उसके हिसाब से जब हम ये कह रहे हैं कि 25 से 30 35 हजार करोड़ की बात आ रही है, तो ये छपने में, और जैसे शुरू में हम लोगों ने बताया कि नोट छपने में समय लगता है, करीब 20 से 25 दिन एक नोट के कंप्लीट प्रिंट होने में लगते हैं. ये सबकी जानकारी में है, सब इस बात को समझते हैं. पर एक बार जब रोटेशन में रुपए आ जाते हैं तो फिर वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है. तो जैसा अब हम आपके सामने कह रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा था और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये समस्या कम होती जा रही है. अब मैं स्वयं भी इसको देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी को लगता ही है, क्योंकि पहले 2000 के नोट से कुछ असुविधा हो रही थी क्योंकि उसके छोटे नोट नहीं मिल रहे थे. पर अब 500 का नोट आने के बाद ये समस्या धीरे धीरे कम होगी. और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात मुझे लगता है कि बेबुनियाद है कि हमारी कोई करेंसी का बनने का काम बंद हो गया है या इस दिशा में कोई परिवर्तन हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल ठीक प्रकार से, ठीक ढंग से काम हो रहा है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेली कितने नोट छप रहे हैं और उनकी सप्लाई कैसे आगे बढ़ाई जा रही है, आरबीआई तक कब तक पहुंचते हैं, आरबीआई आगे बैंक्स तक कितने टाइम में पहुंचा पाता है, डेली कितने नोट छप पा रहे हैं आज की तारीख में? 25 से 30 35 हजार करोड़ के पैसे आते आ रहे हैं. और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसमें जो प्रक्रिया है, क्योंकि देश के हर हिस्से में नोट ले जाना और ये कोई आसान नहीं है. अब सरकार ने यह भी तय करा है कि हवाई सेवा का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये भी पूरी जानकारी में आ रहा है कि एक 20 से 25 दिन एक नोट के प्रिंट होने में लगते हैं. तो वो साइकिल के हिसाब से जब काम हो रहा है तो शुरुआती जो देर हुई है इसीलिए हुई कि भाई छपने में समय लग रहा है. और ये बात सही है कि जिस प्रकार से ये काम को कर रहे हैं और देश की जनता की भी समझ में आ गया है, वो हमारी इस भावनाओं को समझ करके हमें पूरी मदद भी कर रही है. तो सर, जैसा आपने कहा कि 20 से 25 दिन लगते हैं एक नोट को छपने के लिए, क्या उस टाइमलाइन को कम करने के लिए कुछ सरकार कर रही है कि जिससे कि कम समय लगे और जल्द से जल्द ज्यादा पैसा छप सके? 2-4 दिन कम हो सकते हैं, पर एक जो प्रोसेस है प्रिंटिंग का उसके हिसाब से इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकता. तो आज की तारीख में 20 से 25 हजार तक के नोट डेली छप रहे हैं या 35 हजार तक के नोट डेली छप रहे हैं? मतलब मैं समझता हूँ कि 20-25 से लेकर 30-35 तक के नोट छप रहे हैं. वास्तविक फिगर तो मैं नहीं बता सकता अभी. अच्छा सर, और इसको स्पीड अप करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट जिससे कि ज्यादा नोट छप सके? क्या 2000 के नोट ज्यादा छप रहे हैं या 500 के ज्यादा छप रहे हैं? नहीं, 2000 के नोट छप गए, अब 500 के नोट पर ज्यादा प्रयास किया जा रहा है. और क्या रूरल क्षेत्रों में पैसे को पहुंचाने के लिए ज्यादा प्रक्रिया करी जा रही है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, कि रूरल क्षेत्रों में ज्यादा पैसा पहुंचे, अर्बन एरियाज में फिर थोड़ा काम चल सकता है? ऐसा नहीं है कि धन भेजने का प्रोसेस होता है, बैंकों के माध्यम से जाता है. और आप अगर ध्यान करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शिकायतें आ रही हैं, हमारे पास निरंतर टेलीफोन आते हैं कि उनके पास पहुंचने में देरी हो रही है. और ये लगातार हम इसको देख भी रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे कहां पर क्या आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे अभी जो समस्या आ रही है उसको समाधान करने के हिसाब से काम कर रहे हैं. सर, एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि सैलरी का टाइम आ रहा है, ऐसी आलोचना हो रही है कि लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी और एटीएम्स के आगे क्यूज भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि हर किसी को शुरुआती टाइम में अपनी सैलरी विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि कल 30 तारीख है और फिर 1 तारीख आ जाएगी, तो क्या उसको, उस टेंशन को जो लास्ट वर्किंग डे और इनिशियल फ्यू वर्किंग डेज ऑफ न्यू मंथ, तो क्या उस पे डे पे क्या सरकार का कुछ नया या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के जिससे कि उस दिन उस दौरान कोई तकलीफ ना हो? सरकार के संज्ञान में है ये, खासतौर से जो सरकारी या
या निजी क्षेत्रों के कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती है। तो ये समस्या को ध्यान में रखकर क्या प्रयास हो सकते हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिन किसी को भी वेतन मिलेगा बैंकों के माध्यम से वो इस से बातों से अवगत हैं, और मुझे लगता है कि मैंने कई लोगों से बात भी की है, सब लोग हमको ये बता रहे हैं कि हम इसको मीट आउट कर लेंगे।